हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इस तरीके का स्क्रॉल बॉर्डर लेके आई हूँ। ये देखिए, आप इसे लेडीज कार्डिगन में या बेबी फ्रॉक्स वगैरह में आप डाल सकते हैं। इसे बहुत आसान है बनाना, केवल एक ही रो का ये पैटर्न है। और देखिए, जाली आएगी इसमें और एक ये फली बनेगी इसमें। तो इस बॉर्डर को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल में फंदे डालने होंगे, प्लस एक फंदा हमें एक्स्ट्रा लेना होगा। और उसके अलावा अपने दोनों साइड में एज के लिए मैंने दो फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, दो इधर से, तो चार फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। तो आप 10 की मल्टीपल में फंदे डाल के उसमें एक ऐड कर लीजिएगा और उसके बाद चार फंदे उसमें और ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे ज्यादा फंदे बचते हैं तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं दोनों साइड्स में। जब मैंने चार रखे हैं, जैसे दो यहाँ, तो आप इसमें तीन भी रख सकते हैं, तीन तीन भी रख सकते हैं, पांच पांच भी रख सकते हैं, जितना भी आपके ज्यादा होंगे वो आप किनारे पे रख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये डिजाइन मैंने ज्यादा फंदों में बनाया है, ये मैंने चार बार पैटर्न बनाया है, तो ये 45 फंदों में बनाया है मैंने। अब मैं आपको इसमें 25 फंदों में बना के दिखाऊंगी। तो ये हमारी फर्स्ट रो है, फंदे डाल रखे हैं हमने, फर्स्ट रो है, राइट साइड है हमारी। तो इसमें सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिनेंगे। ये हमारी बेस रो है, ये हमारी बेस रो है डिजाइन की, ये हम उल्टा उल्टा बिनेंगे। इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, फिर इसको हम उल्टा उल्टा बिनेंगे पूरा। हम अपनी बेस रो की रॉन्ग साइड में है, ये रो भी पूरी उल्टी उल्टी बिनेंगे हम, लेकिन हमने इस वाले फंदे को यहाँ पे सीधा बिन लेना है। फिर धागा आगे करके बाकी सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। जैसे नॉर्मल उल्टा बिन रहे थे अभी, वैसे सारे फंदे उल्टे उल्टे बिनेंगे और लास्ट का फंदा एक सीधा बिन लेंगे, ताकि हमारी ये एच सही आए, ये जो एच है डिजाइन में वो सही आए। ये देखिए, दो तो हमने ये बेस रो बनाई है, तो इससे हमारी ये एक धारी बन गई है। अगर आपको ऐसे मोटा सा लाना है नीचे ये इस तरीके से, तो आप ये दो रो डाल दीजिएगा, नहीं तो आप सीधे भी पैटर्न स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। तो अब हम अपनी डिजाइन में फर्स्ट रो पे हैं। ये डिजाइन की फर्स्ट रो है हमारी, डिजाइन हमारा इस रो से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, दो फंदे हम शुरुआत के उल्टे बिनेंगे इस तरीके से, फिर धागे को पीछे करेंगे। ये गैप वाले फंदे हैं हमारे, जो ये हमारे गैप के फंदे हैं वो हैं ये दो फंदे। उसके बाद हमारा पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा, इस वाले फंदे से हम पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो एक फंदा हम सीधा बिनेंगे, धागे को आगे करेंगे, जाली आएगी और तीन फंदे हम सीधे बिनेंगे। इसके बाद एक दो तीन फंदे सीधे बिनने के बाद इन तीन फंदों को हमें एक करना है। तो इसके लिए हम ये जो पहला फंदा है, इन तीन फंदों से पहला फंदा और तीसरा फंदा इस तरीके से पीछे से लेंगे इन्हें और इन्हें ऐसे सीधा बिन लेंगे। उसके बाद जो ये बीच का फंदा हमने छोड़ा है, उसको ऐसे निकाल के ये बीच वाला फंदा हम ऐसे चढ़ा लेंगे। फिर अपने ये दो बिने हुए फंदे ऐसे निडल में चढ़ाए और जो ये स्लिप करा था फंदा हमने, जो बिना बिना निकाल लिया था तीसरा फंदा बीच का, उसको इन दोनों के ऊपर से ऐसे निकाल लेंगे। ये जो हमने दो का एक करा था, ये देखिए, इससे हमारी ये फली आ जाएगी, जो ये बीच की फली बनी हुई है वो आ जाएगी हमारी। ये तीन फंदों का एक करा, उसके बाद फिर आगे के तीन फंदे हम सीधे बिनेंगे, एक दो तीन। फिर यहाँ पर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी। तो ये इन्हीं 10 फंदों की बिनाई है, यहाँ धागा आगे करके जो जाली आएगी, हमारे पैटर्न यहीं तक है बस। उसके बाद फिर से हम रिपीट करेंगे अपने पैटर्न को। तो एक फंदा सीधा बिनेंगे, ये देखिए जाली आई है और एक फंदा सीधा हो गया है हमारा। फिर धागे को आगे करेंगे, यहाँ फिर से एक जाली आएगी और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। फिर इन तीन फंदों का एक करेंगे, तो ये पहला वाला फंदा और ये तीसरा वाला फंदा,
इस तरीके से लेके पीछे से इनको ऐसे सीधा बिन लेंगे और फिर ये बीच वाला फंदा जो हमने छोड़ा था उसको ऐसे चढ़ाया और इस बीच वाले फंदे को इन दो करे हुए फंदों के ऊपर से निकाल दिया, ये इस तरीके से। फिर तीन फंदे सीधे बिनेंगे, एक दो तीन। फिर धागे को आगे करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और ये एक फंदा सीधा बिनेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा स्टिच ली थी वो है ये, ये एक फंदा हमने सीधा बिना। उसके बाद ये दो फंदे हमारे, ये दोनों तरफ की एज के फंदे हैं तो ये सीधे बिन जाएंगे। बस ये हमारी डिजाइन वाली मेन रो थी। इसके बाद रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में हम सारे फंदे उल्टे बिनेंगे क्योंकि ये एक एज स्टिच हमने यहाँ से सीधी भी नहीं थी, तो इसको सीधा करके बाकी के सारे फंदे उल्टे उल्टे बिनते हुए कंप्लीट करेंगे और लास्ट की एक एज स्टिच हम सीधी बिन लेंगे इसमें। ये देखिए, ये केवल इन्हीं दो रो का डिजाइन है, इन्हीं दो रो को हमें आगे कंटिन्यू करते रहना है। दो तो हमारी बेस रो थी इसमें, जो आप की मर्जी है कि आप डालें या ना डालें। ये वाली जो दो बेस रो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप डालना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद जो ये डिजाइन है वो केवल दो रो का डिजाइन है, एक रो में डिजाइन पड़ेगा और एक रो पूरी उल्टी उल्टी भी नहीं जाएगी। तो ये आप जब आगे बढ़ते जाएंगे इसमें तो आपको इसका लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसे दिखेगा ये आगे बन के। थैंक यू।